पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो देखिए दिन की शुरुआत हो गई है और दिन की शुरुआत तो खाने पीने के साथ में ही होती है, क्योंकि सुबह चाय चाहिए, फिर दूध चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर खाने का टाइम हो गया, फिर कहीं कुछ। पूरा दिन यही कुछ चलता है, क्योंकि हम लोग खाते बनाते ज़्यादा हैं तो पूरा दिन हमारा यही चलता रहता है, पढ़ना और खाना, बस हमारा यही काम होता है कि थोड़ी देर पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर खा लिया, फिर थोड़ी देर पढ़ लिया। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में देखिए सिंपल पराठा बना रही हूँ, क्योंकि सिंपल पराठा बनाए हुए बहुत दिन हो गया है, तो इसीलिए आज मैं सिंपल पराठा बना रही हूँ और इसके साथ कोई सब्जी मैं नहीं बनाऊँगी। और आज हम लोग जैम सॉस या फिर चाय के साथ पराठा लेंगे, जिस तरीके से जिसको खाना है, कोई हनी पराठा ले लेगा, जिस तरीके से जिसको खाना है उस तरीके से हम लोग ले लेंगे। और पराठे देखिए मेरे लगभग बन गए हैं, दो दो पराठे ही मैंने सबके लिए बनाए हैं। और बिटिया देखिए मेरी अंदर बहुत शैतानी कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो देखिए एबीसीडी सुना रही है, बहुत तो देखिए जीभ दिखा रही है, इतनी शैतान है वो बहुत ज़्यादा। तो आज देखिए मेरा पार्सल भी आ गया है जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो इसमें क्या है वो मेरा सीक्रेट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये देखिए आज शाम को 4 बज गए हैं और चाय का टाइम हो गया है, बट मैं चाय नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि आज होगी हमारी मैगी पार्टी। तो उसके लिए देखिए मैं टमाटर और हरी मिर्च जो है उनको कट कर रही हूँ। जब भी मैं मैगी बनाती हूँ तो इसी तरीके से मैगी बनाती हूँ, हरी मिर्च और टमाटर कट करके। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च जो हमने कट किया था वो, क्योंकि मैं मसाला मैगी बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ तो मैगी हम लोग हफ्ते में एक ही बार खाते हैं, इसलिए अच्छे से बनाती हूँ मैं। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है और हरी मिर्च और टमाटर, जो हरी मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि तीखापन थोड़ा सा मैगी में अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से देखिए हम अपनी नूडल्स बना लेते हैं और इनको फ्राई होने देते हैं और जब तक पैकेट में से मैगी निकाल लेते हैं। तो मैगी निकालना तो और बनाना तो सभी को आता है ऑलमोस्ट, बट बोलते ज़रूर है कि 2 मिनट में मैगी तैयार, बट 2 मिनट में होती नहीं है मैगी तैयार, 15 से 20 मिनट तो लेती है जब भी हम मैगी बनाते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मेरे को भी थोड़ा टाइम लग ही गया था, टमाटर वगैरह भुने थे तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और जो नमक होता है वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे नमक थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। और हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा उजाले में ले जा करके जब बच्चे खाते हैं ना तो अजीब लगता है, या खाते खाते कोई आ जाए तो मैगी का कलर ठीक नहीं दिखता है, इसलिए थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छी हो जाता है, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अब हम लोग पानी को गर्म होने देते हैं और उसमें मैगी डाल देते हैं और मैगी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो तब तक मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, कैसे हैं आप लोग, और नवरात्रि तो चल ही रहा है और मेरे वीडियोस इस तरीके से देखते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। और देखिए आज मेरा जंक फूड का दिन था तो आज मैगी बन रहा है और अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। तो देखिए कट कर करके मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल बाहर का खाना बंद हो गया है ना कोरोना के कारण, बट सब कुछ मिलने लगा है बट बाहर का खाना बंद हो गया है तो घर पे ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं या छोटे तो मानते नहीं हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा, पहले बाहर का खाना बहुत ज़्यादा होता था और अब बिल्कुल कम हो गया है आना बाहर से, तो अंदर ही घर में कुछ बनाना पड़ेगा जिससे कि बच्चे खुश भी रहें हमारे, और स्कूल भी नहीं जा रहे हैं तो लंच में भी नई नई चीज़ें बना बना के हम लोग देते रहते थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब तो रोटी सब्जी ब्रेकफास्ट बस यही सब कुछ चल रहा है तो थोड़ा बोरिंग हो गई है लाइफ। तो ये देखिए मैगी हमारी बन करके तैयार है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी, मैंने पानी इसमें इतना ही डाला है कि नूडल्स की जैसी बन जाएगी, हल्की रसीली छूट जाएगी, फिर बाद में जब ठंडी होती है ना तो बहुत अच्छे से एकदम थिकनेस आती है इसमें और अलग अलग हो जाती है मैगी जब हम इस तरीके से बनाते हैं। तो अब हम मैगी को प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी है सबको खाने की तो मैं बहुत जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ ये देखिए, और प्लेट में मैं सभी के लिए निकाल लेती हूँ। और बच्चे तैयार हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं मैगी खाने के लिए, क्योंकि मैगी की खुशबू जब आती है ना तो फिर शांति होती नहीं है खाने तरफ से, ऐसा लगता है कि बस जल्दी से आ जाए। तो किस किस को आपको मैगी पसंद है कमेंट करके बताइएगा, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और इसी तरीके से बनी हुई। और मेरे जो हस्बैंड है ना उनको तो आलू और पता नहीं क्या क्या इसमें सब कुछ चाहिए रहता है, बहुत कुछ वो डालते हैं, बट मैं इतना सब कुछ नहीं डालती हूँ।
मैं बस सिंपल सी बना लेती हूँ। बहुत देर लगती है क्योंकि उसको बनाने में, और कभी कभी बना भी लेती हूँ बट सिंपल सी इस तरीके से ज़्यादा बनाती हूँ। तो देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए मैगी बन करके हमारी तैयार है, आप लोग भी आ जाइएगा। देखिए कितनी अच्छी बनी है और गर्मा गर्म है, हम लोग खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन आप लोगों का कैसा गया? सबके अच्छे ही दिन जा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि चल रही है इस टाइम में। और आप सब कैसे हैं? और आज मैंने मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, क्योंकि आज तो नॉर्मली पराठा बना था तो हम लोगों ने जैम पराठा और सॉस पराठा खाया था और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसके बाद शाम को 4 बजे का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज हमारे घर मैगी पार्टी हुई थी, हम लोगों ने अच्छे से मैगी खाया और पेट भर के अच्छे से, क्योंकि मैगी जब भी बनाते तो हम लोग अच्छे से खाते हैं पेट भर के। वैसे मैं एक वीक में एक ही बार बनाती हूँ, बस बच्चों को आदत डाल दी है कि एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार हम लोग मैगी खाते हैं। और लेकिन मैगी जितना खाते हैं ना तो एक हफ्ते के जितना खा लेते हैं। तो शाम को भूख तो थी नहीं, सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी भूख थी तो दाल चावल बना के हम लोगों ने खा लिया। और वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, सिर्फ सुबह का रूटीन और शाम को 4 बजे का दिखाया है कि हम लोग क्या क्या करते हैं शाम को 4 बजे। तो इसी तरीके से डेली हम लोग हल्का फुल्का बना करके खा लेते हैं। तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा इसलिए बात मैं थोड़ी कम ही करूँगी, क्योंकि कल के वीडियो में बात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। और आप लोग कैसे हैं, नवरात्रि कैसी जा रही है बताइएगा मुझे कमेंट करके। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि आज ना मेरे मोबाइल का नया स्टैंड आया है, मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन पर, तो आज वो मेरे को रिसीव हुआ है। और मोबाइल होल्डर भी मैंने मंगवाया है, उसका ओवरव्यू मैं आपको दूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि वो कितना अच्छा आया है और इतनी अच्छी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी का एकदम आया है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि YouTube पे या कहीं भी वीडियो बनाने के लिए हमें एक मोबाइल होल्डर और एक स्टैंड की आवश्यकता तो होती है, तो मैंने स्टैंड मंगवाया है क्योंकि वो कैमरे का स्टैंड था तो उसको मोबाइल का स्टैंड मंगवाने के लिए मेरे को साथ में मोबाइल होल्डर भी मंगाना पड़ा। तो वो दोनों चीज़ मैंने मंगवाई हैं, आज मेरे को मिल गई हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा हो। वैसे तो अधिकतर टाइम मैं मैनेज करके रखती हूँ सब कुछ, बट फिर भी जो ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा बहुत उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छा हो और आप लोग, ताकि हम लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहे और आप मेरा साथ इसी तरीके से देते रहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरा जो एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो मेरे और मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को शेयर कर पाऊँ। क्योंकि आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स होगा तभी मैं आप लोगों को अपनी लाइफ और अपने बारे में जितना भी हो सकेगा बता पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।